मौजूदा साल बॉलीवुड के लिए कमाई के मामले में कुछ खास नहीं रहा, लेकिन टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी की कमाई को देखकर ऐसा लग रहा है कि अक्षय कुमार के लिए ये फिल्म जरूर खास बनने वाली है। महज एक हफ्ते में अक्षय की ये फिल्म 100 करोड़ क्लब के बेहद करीब पहुंच चुकी है। खास बात यह है कि साफ सुथरी गांव की कहानी के माध्यम से अक्षय फैमिली क्लास को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहे। पहले भी एयरलिफ्ट, हॉलीडे, राउडी राठौर, जॉली एलएलबी 2 और रुस्तम जैसी फिल्मों से अक्षय अपने ऑडियंस का दिल बखूबी जीत चुके हैं। एक बड़ी बात यह भी है कि ट्यूबलाइट, जग्गा जासूस, मुन्ना माइकल जैसी तमाम फिल्मों को पीछे छोड़ टॉयलेट एक प्रेम कथा साल की दूसरी शानदार फिल्म बन चुकी है। हालांकि बाहुबली अब भी पहले स्थान पर ही बनी हुई है। अब आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि टॉयलेट एक प्रेम कथा बॉक्स ऑफिस पर और कितनी ताबड़तोड़ कमाई करती है। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।